HS के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ABTA हायर सेकेंडरी टेस्ट पेपर 2022-23 सब्जेक्ट उर्दू पेज नंबर 50 में जितने भी क्वेश्चंस MCQ और SAQ आया हुआ है उन तमाम सवालों का जवाब हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल ये है, डैश दिया हुआ है, वह फकीरों से बड़ी अकीदत थी। पहला ऑप्शन दिया है अकबर शाह शानी, आलमगीर शानी, शाह आलम शानी, बहादुर शाह जफर। तो इसका जवाब होगा बे, आलमगीर शानी। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद की मादरी जुबान क्या थी? उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। आंसर होगा दाल, अरबी थी। मौलाना आज़ाद की मादरी जुबान अरबी थी। तीन नंबर सवाल, शायरी में आज़ाद ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की थी? गालिब, ज़ौक, मोमिन या शफी ताह। तो जवाब होगा ऑप्शन बे, इब्राहिम ज़ौक। तीन नंबर सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की आप बीती का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आस फता बयानी मेरी यादों की बारात, इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन अलिफ। पांच नंबर जो सवाल है, वो एक शेर के मानंद थे जिसको शेरों से नहीं, फिल इन द ब्लैंक, और भेड़ों से शाबिका हुआ, गीदर, लोमड़ी, बकरी या भेड़। तो इस जवाब होगा ऑप्शन बे, लोमड़ी। वन का बी में जो है सवाल, दर्जा जेल सवालतों से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल है, असगर गोंडवी ने किस रिसाले की अदारत संभाली? आजकल, शबे खून, हिंदुस्तान या शायर। तो जवाब होगा जीम, हिंदुस्तान। असगर गोंडवी ने हिंदुस्तान रिसालत की इदारत संभाली। दो नंबर सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी का इंतकाल कहाँ हुआ था? फैजाबाद, मुंबई, सुल्तानपुर या लखनऊ। तो ऑप्शन बे होगा, मुंबई। तीन नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी नज़म परवेज शाहिदी की नहीं है? परवेज शाहिदी की है, भिन्नते हिमाला, नया सोला, हिमाला, जंग आज़ादी। ऑप्शन अलिफ होगा, भिन्नते हिमाला। चार नंबर, मजरू सुल्तानपुरी का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? गज़ल, मशअल जां, सुरख सवेरा, दीवान। इसका जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, गज़ल। किस नकाद ने नासिर काजमी को ओरिजिनल शायर कहकर पुकारा है? आल अहमद सरवर, गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, खलीलुर रहमान आजमी। तो जवाब होगा ऑप्शन जीम, शमसुर रहमान फारूकी। वन का सी में जितने भी सवाल आए हैं उनको देखेंगे। वन का सी में जल सवालतों से हर एक के सही जवाब इंतखाब कीजिए। जेल में से कौन कमाल अहमद के हम असर नहीं हैं? अगा हसर, जहूर, जहीर अनवर, हबीब तनवीर या अनीस रफ़ी। जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, अगा हसर। दो नंबर, इस कोशिश में इसके सर से खाली जगह गिरने को है, टोपी, ताज या पगड़ी या बाल। तो ऑप्शन होगा जीम, ताज। अगला सवाल, एक था राजा में बूढ़े
किसान के बेटे जंग में शहीद हो गए, 3, 4, 5 या 6? तो जवाब होगा अलिफ 3। एक कड़ी में जो सवालात हैं, अफसाना बेवजनी में मुसन्निफ के बेटे का नाम क्या था, साजिद, हामिद, राशिद या वाजिद? जवाब होगा हामिद, ऑप्शन बे हामिद। 2 नंबर सवाल है, देखिए आप खाली जगह के हो चुके हैं और मैं 60 की, तो ऑप्शन दिया है 70 या 50 या 80 या 75, तो जवाब होगा 70। देखिए आप 70 के हो चुके हैं और मैं 60 की। 3 नंबर जो सवाल है, तसद्दुक नूर जहाँ को किस नाम से पुकारता है, 1 झिया, सजदे, साजो या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन अलिफ होगा। 4 नंबर सवाल, इन दोनों बदू यानी 6 खाली जगह साल का होगा, 7, 8, 9 या 10? इसका जवाब होगा 7, ऑप्शन अलिफ होगा। 1 का ई में सवाल है, जो अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे, शर सैयद अहमद खां, सज्जाद जहीर, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा सिबली नुमानी? तो ऑप्शन अलिफ होगा। सर सैयद अहमद खान किस तख्लीक को अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं, मनाजात विवाह, नसात उमीन, इनमें से कोई नहीं, या मद्दुज़्ज़र इस्लाम? तो जवाब होगा जीम, मद्दुज़्ज़र इस्लाम। 3 नंबर सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के शरखील कौन थे, फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर, सर सैयद अहमद खां, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब होगा ऑप्शन बे सज्जाद जहीर हैं। 4 नंबर जो सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक किस से मुतासिर थी, फासिज़म, गांधीज़म, मार्क्सिज़म, नाज़िज़म? तो जीम इसका सही जवाब होगा मार्क्सिज़म। 2 में जो सवाल है उसको हल करेंगे, तो 2 का ए में जो सवाल है, रात भर इस बेकस शहीद का सर जनों पर लिए बैठी रोती रही। तो सवाल है बेकस शहीद किसे कहा गया है, इसका जवाब होगा बेकस शहीद मुग़ल बादशाह शाह आलमगीर शानी को कहा गया है। 2 नंबर सवाल, मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग किस पेशे से वाबस्ता थे, तो जवाब होगा मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे। 3 नंबर सवाल है, आज़ाद ने जदीद तालीम किस कॉलेज से हासिल की थी, तो जवाब होगा आज़ाद ने जदीद तालीम दिल्ली कॉलेज से हासिल की थी। 4 नंबर सवाल, हम इस अनवाह पर आफत पर गौर कर रहे थे, तो सवाल है अनवाह पर आफत का क्या मतलब है, तो जवाब होगा आज़ाद का, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंसाया, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है, ये कोटेशन वहीं से लिया गया है। तो उसका मतलब ये है मसायब का ढेर, अनवाह पुर आफत का मतलब होता है मसायब का ढेर, मुसीबत का जमा यानी तकलीफ़। 5 नंबर जो सवाल है, मौलाना आज़ाद कितनी बरस की उम्र में तुलबा की एक जमात को दर्स देने लगे, तो जवाब होगा मौलाना आज़ाद के 15 साल की उम्र में तुलबा की एक जमात को दर्स देने लगे। 6 नंबर सवाल, गंज हाय ग्रामिया का मतलब बताएं, जवाब होगा इसका मतलब है कीमती मोती के हैं। 7 नंबर सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक किस मशहूर अदारे से था, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक जो है अलीगढ़ कॉलेज से था। 2 का भी सवाल जो है, तो दर्जल सवालतों से किसी 5 का जवाब दीजिए, हर एक का एक मुकम्मल जुमले में होना चाहिए। तो पहला सवाल है, परवेश शाहिदी का ताल्लुक किस घराने से था, जवाब होगा परवेश शाहिदी का ताल्लुक जमींदार घराने से था। 2 नंबर, नासिर काजमी के वालदा कौन थी, जवाब होगा नासिर काजमी के वालदा कनीजा मोहम्मदी एक मुअल्लमा थी।
मुअल्लिमा थी। 3 नंबर सवाल, इकबाल ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इकबाल ने सैयद मीर हसन के मदरसे से हासिल की थी। 4 नंबर जो सवाल है, फैज ने किन मजामिन में MA की डिग्री ली? जवाब होगा, फैज ने अंग्रेजी और अरबी में MA की डिग्री ली। 5 नंबर सवाल, हाले किसके शागिर्द थे? तो हाले मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। 6 नंबर सवाल, जोश ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो जवाब होगा, जोश ने सीनियर कैम्ब्रिज तालीम से हासिल की थी तालीम। 7 नंबर सवाल, फ़कीर अहमद गोया से जोश का क्या रिश्ता था? तो जवाब होगा, फ़कीर अहमद गोया जोश के परदादा थे। 2 का सी में जितने भी सवाल है उसको भी देखेंगे। कमाल अहमद किस पेशे से मुंसलिक थे? जवाब होगा, कमाल अहमद बैंक में क्लर्क के पेशे से थे। 2 नंबर सवाल, कमाल अहमद का पहला ड्रामा कौन सा था? तो कमाल अहमद का पहला ड्रामा 1972 ईस्वी में टुकड़े गुलाब के इनका पहला ड्रामा था। 3 नंबर सवाल, ड्रामा एक था राजा किस पस मंजर में लिखा गया? तो जवाब होगा, ड्रामा एक था राजा इमरजेंसी के पेशे मंजर में लिखा गया था। 4 नंबर सवाल, तुम केमिज़म नहीं समझते हो तो फिर ये दरिया दिली क्या मानी रखती है? ये जुमला कहाँ से लिया गया, मुतकल्लिम कौन है? ये जुमला जो है एक था राजा से लिया गया है, ड्रामा एक था राजा से लिया गया है, और मुतकल्लिम राजा और मुखातिब हातिम ताई है। 2 का डी में जो भी सवालात है, 2 का डी जो है दर्जेल सवालातों से किसी एक का जवाब दीजिए जो एक मुकम्मल जुमले में होना चाहिए। 1, बेवजनी का क्या माना? बेवजनी का माना होता है बेकीमत या कम वज़न। 2 नंबर सवाल, मुमताज़ मुफ्ती के सफ़रनामे किस नाम से शाये हुए? लबैक और हिंद यात्रा के नाम से शाये हुए थे। 2 का ही किसी एक का जवाब देना है, तरक्की पसंद तहरीक किससे मुतासिर थी? तो जवाब होगा, तरक्की पसंद तहरीक मार्क्सिज्म से मुतासिर थी। 2 नंबर सवाल, अलीगढ़ तहरीक का असल मकसद क्या था? अलीगढ़ तहरीक का असल मकसद मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी लाना था।